देखिए, लास्ट टाइम हमने 24 का जो अपने पास थर्ड शिफ्ट का पेपर था वो सॉल्व कर लिया था। अब 24 के सेकंड शिफ्ट का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं विद डिटेल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यदि किसी धातु के तार के क्षेत्र की दी गई लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ दे रखा है आपको लंबाई को क्या कर दिया गया, दुगना, यानी कि एल जो है वो पहले एल डैश था वो अपने पास उसका कितना कर दिया, 2L। और यहाँ रेजिस्टेंस पूछा गया है आर डैश क्या होगा। देखिए, आर आपको मालूम होता है, ये होता है रो एल अपोन ए, ठीक है। अब अपने लंबाई दुगनी कर दी है तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, आर डैश बराबर, ये तो रो हो गया, ये 2L हो गया, और ये हो गया अपने पास ए। तो देखिए, ये डाटा तो पहले का ही है, आर ही था, तो आर डैश किसके बराबर हो गया, 2R के बराबर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, एक चालक में पैदा हुई ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है। देखिए, जो हीट होती है H, उसे हम लिखते हैं आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ ये जो है वर्ग, यह है धारा का, किसका है, धारा का, जिसे आप करंट भी बोलते हैं। तो किसके समानुपाती होते हैं, करंट के वर्ग के। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास सी, ठीक है। बाकी अन्य फॉर्मूले जो हैं हीट के वो भी लिख सकते हैं आप। अन्य फॉर्मूले जो हीट के हैं, एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी, एक ये फॉर्मूला होता है हीट का। एक और फॉर्मूला होता है हीट का, वी आई टी, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले अपने पास पेपर में यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, फ्लोरोसेंट लैम्प के दोनों सिरों को काला पड़ने पर संभावित कारण कौन सा आ सकता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, फ्लोरोसेंट लैम्प को बार बार शुरू करें। देखिए, फ्लोरोसेंट को आप लैम्प को बार बार जब आप अपने पास ऑन या ऑफ करते हैं तो फ्लिकर्स आते हैं, फ्लिकर्स की वजह से वो काला हो सकता है। कम या अधिक वोल्टेज, ये रीज़न भी ठीक है। अनुचित ब्लास्ट, ठीक है, ब्लास्ट समय से पहले हो जाए या फिर ब्लास्ट समय के बाद होता हो तो ठीक है, ये कारण भी हो सकता है। प्री हीट के लिए स्टार्टर द्वारा बहुत अधिक कम समय लेना, ये बात भी ठीक है। तो ये सभी कारण संभव है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फोर्थ। जब सोडियम वेपर लैंप चालू किया जाता है तो प्रारंभ में रंग कैसा होता है। देखिए, सोडियम वेपर लैंप जो होता है ये अपने पास प्रारंभ में गुलाबी रंग का प्रकाश देता है। किस प्रकार का रंग देता है, गुलाबी रंग का प्रकाश देता है। और जब ये पूर्णतः प्रज्वलित हो जाता है, पूर्णतः प्रज्वलित होने के लिए इसे 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, ठीक है, तब ये पीले रंग का प्रकाश देता है। तो प्रारंभ में ये कैसा रंग का प्रकाश देगा, गुलाबी। अब देखिए, जो आपका पेपर है, जो आंसर की दी गई थी उसमें पीला दिया गया था, जो कि गलत आंसर था, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या आएगा, गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की खपत कितनी होती है। देखिए, अगर हम बात करें शुद्ध प्रेरक की, तो शुद्ध प्रेरक के लिए अपने पास जो आप जानते हो पावर का फॉर्मूला होगा, पावर का फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू होता है वी आई कॉस फाई, ठीक है। अब देखिए, इंडक्टर में अपने पास जो करंट और वोल्टेज होते हैं, इंडक्टर की बात कर रहे हैं, करंट ही होता है, वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है। तो यहाँ जो अपने पास फेज डिफरेंस होगा वोल्टेज और करंट के बीच में, वो कितना आएगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है, 0, ठीक है। अब 0 होने के कारण अगर मैं यहाँ वैल्यू 0 रखूँगा तो पावर क्या हो जाएगी, 0। पावर क्या हो जाएगी, 0। इसलिए कहते हैं कि आदर्श जो इंडक्टर होता है उसमें ऊर्जा की खपत क्या होती है, 0 वाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीन फेज प्रणाली में आपूर्ति लाइन को निम्नलिखित में किस अक्षर में प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। देखिए, तीन फेज में आपूर्ति लाइन को L1, L2, L3 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए, जो अपने पास RYB है ये फेज होते हैं, ठीक है। फेज को शो करने के लिए अपने पास RY यूज़ करते हैं। बाकी पैरेलों में UVW और RYB, इनका प्रयोग तब किया जाता है जब आप क्या करते हो, स्टार या डेल्टा वाइंडिंग का प्रयोग करते हो, तब अपने पास ये नोटिफिकेशन यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ जो लाइन के लिए पूछा गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाटमीटर निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया जाता है, कौन से प्रभाव का प्रयोग करता है। देखिए, वाटमीटर जो होता है इलेक्ट्रोडायनोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है। कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रोडायनोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है। इसे हिंदी में बोला जाता है विद्युत गतिज, विद्युत गतिज
यंत्र, तो ये इसी प्रभाव का यूज करता है यानी कि उपयोग करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास एक सिंबल है, आपको सिंबल पे मैं एक वीडियो ला दूंगा। ठीक है, कि अपने पास जितने भी पेपर हैं, ठीक है, 18 पेपर जितने भी हुए थे जेएनएल के, उन सब में अपने पास या तो लैंप का सिंबल पूछा गया था, ठीक है, या फिर आपसे रेजिस्टेंस का सिंबल पूछा गया, तो एक सिंबल ज़रूर आएगा। उसके लिए मैं आपको डिफरेंट टाइप के जो वीडियो है दोनों पर, लैंप के सिंबल पर, ठीक है, और अपने पास जो रजिस्टर के सिंबल हैं उनके बारे में बना दूंगा। ठीक है, और वो अब जल्दी वीडियो अवेलेबल करा दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ जो राइट आंसर होगा, ये जो अपने पास है, ये सिंबल है अपने पास किसका, ट्रांसफार्मर वाले लैंप का है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने साथ जुड़े बदलते हुए फ्लक्स के कारण प्रेरित ईएमएफ पैदा करने वाला कॉइल का गुणधर्म क्या है। ठीक है, अब देखिए जो अपने पास ईएमएफ है, वो अपने पास जब फ्लक्स परिवर्तित होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, वो केवल किस में हो सकता है, प्रेरक में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रेरक की माप की मूल इकाई है। देखिए प्रेरक जो होता है अपने पास, इस टाइप से इंडक्टर ये होता है अपने पास, ठीक है, इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर इस पर वोल्टेज की बात की जाए तो VL ये होगा अपने पास LdIdt। ठीक है, ये धारा परिवर्तन की दर है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, हेनरी। क्या होगी, हेनरी। तो राइट आंसर होगी अपने पास ए, हेनरी। अन्योन प्रेरण किसका बुनियादी परिचल सिद्धांत है। देखिए ट्रांसफार्मर में भी अन्योन प्रेरण की ज़रूरत होती है, मोटर्स में भी ज़रूरत होती है, इंडक्शन मोटर का नाम सुना होगा, जनरेटर में भी। तो ये तीनों ही अपने पास राइट आंसर है, इसलिए ई क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट डिज़ाइनों में अस्थाई प्रोटोटाइप के लिए निम्न में से कौन सा सोल्डर लेस डिवाइस। देखिए यहाँ बोला है सोल्डर लेस, ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों में क्या होता है अपने पास, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि ये अपने पास एक ऐसी सीट होती है, ठीक है, इसमें इस तरीके से खाने बने होते हैं, ठीक है, इसे बोला जाता है ब्रेड बोर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी कनेक्शन होते हैं, जैसे आपने यहाँ से लैंप लगाना है, ठीक है, तो एक वायर यहाँ कनेक्ट कर दिया, बाकी ये सब इसके पैरेलल में चलता रहेगा। ठीक है, दूसरा अपने पास यहाँ लगा दिया, अब यहाँ फेज और ये न्यूट्रल या प्लस माइनस जो भी दोगे आप, ठीक है, तो ये लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ब्रेड बोर्ड का उपयोग किया जाता है, यहाँ सोल्डरिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यह प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक को इंगित करता है। ठीक है, देखिए ये जो अपने पास होता है, ये अपने पास होता है प्रीसेट प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, नॉर्मली देखो रेजिस्टेंस को इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस को आप इस तरीके से भी दर्शा सकते हो। ठीक है, अब देखिए अगर इसको इस तरीके से दर्शाया जाए, ठीक है, ये होगा प्री सेट रजिस्टर, इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ये सिंबल ऐसे बन सकता है। इसी की तरह अपने पास एलडीआर रजिस्टर होता है, एलडीआर रजिस्टर अपने पास इस तरीके से बनाया जा सकता है, ये सिंबल हो गया आपके पास एलडीआर का। ठीक है, या फिर आप इसे इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो, यानी कि रेजिस्टेंस जो होंगे अपने पास उसके सिंबल डिफरेंट डिफरेंट हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आपको डिफरेंट टाइप के जो रजिस्टर हैं उनके सिंबल सहित मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ताकि आपके पास एक क्वेश्चन यानी कि एक नंबर अपने पास 100% श्योर हो जाए, एक तो लैंप वाला आता है और एक अपने पास ये रजिस्टर का सिंबल आता है। ठीक है, तो यह राइट आंसर आ जाएगा प्री सेट रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर के विपरीत है। यह है एटोन्यूटर। ठीक है, एटोन्यूटर को इस तरीके से शो किया जाता है, ये जो होता है ये एटोन्यूटर का सिंबल होता है। ठीक है, आप इसे भी इस तरीके से भी शो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 14 वाले तत्व सिलिकॉन में संयोज इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अपने पास सिलिकॉन होता है उसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। ठीक है, तो यहाँ जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रथम कक्षक में इलेक्ट्रॉन आएंगे वो दो आएंगे। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, इसके बाद सेकंड कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 8 आते हैं। ठीक है, ये अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक ही होगा।
अभी बचा ये बाहरी कक्षक थर्ड वाला, इसमें आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, यानी कि जो भी परमाणु होता है उसके बाह्यतम कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवीएल किस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए केवीएल जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। इसके अनुसार क्या होता है, कोई भी एक बंद परिपथ लो, उसमें जो होता है बैटरी का EMF, ठीक है, और प्रतिरोध के मध्य होने वाले विभव पतन का बीजगणित योग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ये वाली इक्वेशन लिखी जाती है, इसको मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, I से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया I2। और जीरो को किसी मल्टी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको पावर से डिनोट किया जाता है, P-I2R=0। यानी जितनी पावर आप क्या करोगे, एनर्जी सप्लाई करोगे, उतनी क्या हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी, यानी कि हीटिंग रूप में चेंज हो जाएगी। यानी कि जितनी ऊर्जा दोगे उतनी ऊर्जा अपने पास दूसरे हीटिंग मतलब दूसरे रूप में चेंज हो जाती है, ना नष्ट होती है। ये नियम किसका होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो है, RMS मान निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है। देखिए RMS जो होता है वो अपने पास तापन प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया भी है, इस अपने पास जो प्लेलिस्ट है जिसमें AC थ्योरी पढ़ाई गई है वहाँ पर वो वीडियो देख सकते हो आप, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपने पास मान लीजिए 5 वोल्ट की मैं एक बैटरी लेता हूँ, ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी है, DC की बात कर रहा हूँ मैं, और ये हीट अज्यूम कर लेते हैं 2 किलो कैलोरी उत्पन्न करता है। अब AC का मैं वो है मान अप्लाई करूँ, ठीक है, जितने वोल्टेज पर अपने पास 2 किलो कैलोरी हीट आ जाए वही मान AC का क्या कहलाएगा, RMS मान कहलाएगा। तो इसे तापन प्रभाव से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गतिशील तत्व कहलाता है, ठीक है। जो डायनेमिक एलिमेंट है अपने पास वो होता है क्या, इंडक्टर होता है, ठीक है, इंडक्टर होता है। लेकिन यहाँ अपने पास जो इसका आंसर माना है उन्होंने कैपेसिटर और किसको माना है, कैपेसिटर को और इंडक्टर दोनों को माना है, लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा, इंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रतिरोध ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है, ठीक है। अब देखिए प्रतिरोध हमेशा ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में विलुप्त करता है, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने पास ये होगा। नेक्स्ट है, सक्रिय फिल्टर में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है। देखिए सक्रिय तत्व जो होता है, सक्रिय फिल्टर में कैपेसिटर भी होता है, ऑपएम्प भी होता है, ठीक है, प्रतिरोध भी होता है, ठीक है, तो इनमें ऐसा कोई भी एलिमेंट रहे नहीं है जो अनुपस्थित हो। तो राइट आंसर जो होगा अपने पास ही। तो देखिए आज के टॉप 20 क्वेश्चन ये थे, कल अपने पास इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। तो जितने भी अपने पास एजुकेशनल ग्रुप हैं, ठीक है, वहाँ पर शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट करते रहिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।